नमस्कार, आप न्यूज 18 इंडिया के साथ और मैं पायल गोयल। इस वक्त की बड़ी खबर, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंच गए हैं। वो मृत किसानों के पीड़ित परिवारों से मुलाकात करेंगे। तो फायरिंग के 8 दिन बाद मंदसौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। ये तस्वीरें वहीं की हम आपको दिखा रहे हैं जहां पे मुख्यमंत्री पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर रहे हैं। तो इन तस्वीरों में नजर आ रहा है कि पीड़ित परिवार किस तरीके से भावुक है और अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने रख रहा है। लेकिन आपको बता दें कि फायरिंग के 8 दिन बाद मंदसौर पहुंचे हैं आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और इसी के साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी भोपाल से मनोज शर्मा। मनोज, शिवराज सिंह चौहान मंदसौर पहुंच गए हैं, आज वहां पे क्या कहने और कैसा कार्यक्रम रहने वाला है और किसान के जो पीड़ित परिवार हैं उनकी मांगे क्या रहेंगी? जो मुख्यमंत्री 5 जो किसान हैं जिनकी पुलिस फायरिंग में मौत हुई थी उनके घर जाएंगे। साथ ही साथ एक किसान घनश्याम धाकर जिसकी पुलिस में पिटाई हुई थी और क्योंकि वो प्रदर्शन कर रहा था उस दौरान उसकी पिटाई में बाद में उसकी इंदौर के अस्पताल में घनश्याम धाकर की मौत हुई थी। तो सबसे पहले बड़वन गांव मुख्यमंत्री पहुंचे हैं और वहां पर घनश्याम धाकर के परिवार वालों से मिलेंगे। जो हमको सीएम हाउस के सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि आज मुख्यमंत्री जो 1-1 करोड़ की जो मदद की सरकार ने घोषणा की थी, मुख्यमंत्री ने इन तमाम 6 लोगों को 1-1 करोड़ रुपए की जो मदद है इनके परिवारों को, मृतक किसानों के परिवारों को आज दिए जा सकते हैं मुख्यमंत्री की तरफ से। फिलहाल दो बातें हमको बताई गई हैं कि एक लॉ एंड ऑर्डर की जो स्थिति है उसकी समीक्षा के लिए गए हैं और दूसरा इन घरों से सभी मृतक परिवारों के परिवारों से मिलने के लिए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हैं। लेकिन कांग्रेस को इसमें एक राजनीति जो दिख रही है वो छोटी सी राजनीति ये है कि धारा 144 जो कल तक लगी हुई थी किसी कांग्रेसी नेता को जाने की इजाजत नहीं थी, लेकिन जब आज मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे तो मंदसौर में पूरी तरह शांति हो गई अचानक और धारा 144 भी हटा ली गई। बिल्कुल, और मनोज यही बात जो है वो विपक्ष लगातार कह रहा है कि खुद मुख्यमंत्री वहां जाते हैं लेकिन हमें जब मिलने नहीं जाने दिया जाता। और कल ज्योतिरादित्य सिंधिया भी कह रहे थे अगर धारा 144 लागू है तो मैं अकेला ही वहां पर चला जाऊंगा। और आज दोपहर 3 बजे से भी ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने अनशन पे वहां बैठेंगे और 72 घंटे का उनका ये पूरा का पूरा कार्यक्रम रहने वाला है। वहां पर किस तरीके की तैयारियां हैं? अभी हमारी थोड़ी देर पहले ही ज्योतिराय सिंधिया से बात हुई तो वो इंदौर से भोपाल की तरफ ज्योतिराय सिंधिया का आना हो रहा है। तो उनका साफ तौर पे कहना है, जो पहली बात उन्होंने उठाई कि आखिर सरकार का मकसद क्या है, सरकार किसानों के नाम पर कांग्रेस पर आरोप लगाती है कि राजनीति कर रहे हैं लेकिन मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद उसी जगह पर जहां 3 दिन से चाहे राहुल गांधी हो, हार्दिक पटेल हो, ज्योतिराय सिंधिया हो या कांतिलाल भूरिया, हम लोगों को जाने से रोका गया और कहा गया कि राजनीतिक दल के व्यक्ति को जाने की इजाजत नहीं देते। लेकिन ये क्यों भूल जाते हैं मुख्यमंत्री कि आखिर ज्योतिराय सिंधिया या कांतिलाल भूरिया ये दोनों सांसद हैं, सांसद यानी कानून बनाने वाले, ये संसद में बैठते हैं, पार्लियामेंट में बैठते हैं, तो हमको जो लॉ मेकर है, सांसद है, उसे क्यों रोका जा रहा है? जी, बहुत बहुत शुक्रिया मनोज हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो एक तरफ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पीड़ित किसानों से मिल रहे हैं तो उधर कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया आज से 3 दिन के सत्याग्रह पर बैठने जा रहे हैं। 3 दिनों के सत्याग्रह में सिंधिया किसानों के मुद्दे पर प्रदेश की शिवराज सरकार और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने की कोशिश करेंगे। तो किसानों की मौत पर सियासत जारी है। 8 दिन बाद आज मंदसौर पहुंचे हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 72 घंटे का सत्याग्रह शुरू करेंगे कांग्रेस नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया। और इसी 72 घंटों में कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन भी रहेगा। और आपको बता दें कि 1 करोड़ का मुआवजा इन 5 परिवारों को देना है, 1-1 करोड़ का। और यही बात यहाँ पे करते हुए शायद शिवराज सिंह चौहान नजर भी आ रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं मंदसौर से जहाँ मुख्यमंत्री पहुंचे हैं पीड़ित परिवारों से मिलने।